बिजनौर में नकली उर्वरक खाद बनाने वाले गोदामों पर छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान पुलिस प्रशासन के अफसरों ने गोदाम से कई ब्रांडेड कंपनियों के नकली उर्वरक और खाद के सैकड़ों बैग को बरामद कर लिया और साथ ही पुलिस ने मौके से गोदाम से एक मिलावटखोर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि पिछले कई महीनों से बिजनौर के झील कॉलोनी में एक बड़े गोदाम में चोरी के मामले जो है वो निकलकर सामने आ रहे थे और प्रशासन के अफसरों ने मुखबिर की सूचना पर गोदाम में छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर ब्रांडेड कंपनियों के बैग में नकली उर्वरक कृषि खाद बरामद हुआ है और साथ ही मशीन के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मिलावट खोरों को बारीकी से पूछताछ करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर इनकी कितनी टीम है और कहां कहां इस तरह की ये सप्लाई किए जा करते थे। ये बिजनौर की पूरी घटना आप देख रहे हैं जहां पर नकली उर्वरक खाद बनाने की सामग्री जो है वो मिली है और पुलिस प्रशासन को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एक मुखबिर की सूचना पर मिलावट खोरों के खिलाफ पहले से ही पुलिस जो है वो अभियान चलाती हुई नजर आ रही, लेकिन मुखबिर ने जब सूचना दी पुलिस ने वहां पर छापेमारी की है और वहां पर उर्वरक के साथ साथ नकली उर्वरक के साथ साथ उपकरण भी मिले हैं जिससे वो बनाया जाता था और बनाने के बाद एक बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह इसको सप्लाई किया जाता। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि बिजनौर के साथ साथ और किन जिलों में ये लोग सक्रिय हैं और कहां कहां इस तरह के अवैध काम जो हैं वो ये लोग किया करते हैं। डॉक्टर साहब देखो, गोदाम पकड़ी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरक के साथ साथ जिप्सम की गोलियां, नमक और इसमें रेता पकड़े गए हैं। उसके साथ साथ विभिन्न इफको, क्रिवको, उत्तम डीएपी, वर्टाको और इसके साथ साथ सागरिका और माइक और मोनोजिंक के खाली